हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बार फिर से दोहराया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। उम्मीदवार को टिकट देने के लिए चयन समिति अपना काम कर रही है और शीघ्र ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह बात शनिवार को यहां जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वह यहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत के बड़े भाई कंवर सेन गहलोत के निधन पर शोक जताने आए थे। उनके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल, राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता भी जोधपुर आए हैं। पायलट ने कहा कि टिकट देने के लिए चयन समिति द्वारा मंथन किया जा रहा है। सभी की आम राय और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशानुसार टिकट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भाजपा का जाना तय है। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है और हम सबसे उपयुक्त जो उम्मीदवार होगा उसका मंथन करेंगे आम राय के साथ, सबकी चर्चा करने के बाद, नेताओं कार्यकर्ताओं का फीडबैक देने के बाद। और जिस तरह बीजेपी को आज मजबूरन अखबारें पढ़ते हैं कि अपने 100-125 विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा, अगर पार्टी को अपने विधायकों का विश्वास नहीं है तो किस मुंह से जाके जनता के विश्वास की मांग कर रहे हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा। और ये उनका आखिरी एक दाव बचा है कि विधायकों के टिकट काट दो, लेकिन वसुंधरा जी की सरकार का जो कार्यकाल रहा लोग उस पर वोट डालेंगे, चाहे किसी को मैदान में उतारे बीजेपी, जीत कांग्रेस पार्टी। तो ये क्या राजपूत समाज पूरा इसी जुड़ेगा कांग्रेस? देखिए, अलग अलग समाजों की पगड़ी उछालने का काम वसुंधरा जी ने किया है। किसान वर्ग हो, क्षत्रिय समाज हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति को, हर समाज को उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है। कांग्रेस में सभी लोगों का मान सम्मान है और जो जो लोग पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के समर्पण और अपनी इच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबके ज्वाइन करने से पार्टी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।